हेलो, मैं सैयद तौसीफ अली, स्वागत है आपका औरंगाबाद समाचार में। हम शुरुआत कर रहे हैं एक प्रोग्राम की जिसका नाम है जनता का फैसला। अभी हम सिल्लोर शहर के एकता वाले इलाके यानी जामा मस्जिद चौक शिवाजी पुतले के सामने खड़े हैं और जिस उम्मीदवार की यहां पर चर्चा चल रही है वह है अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, जो कि महायुति के उम्मीदवार है और इनके ही बेस्ट फ्रेंड या बहुत जिगरी दोस्त माने जाते हैं जो इनके अपक्ष में खड़े हुए हैं, वो है नाना बालोदकर। तो इस जनता के फैसले के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सिल्लोर से और जानते हैं जनता का फैसला क्या है, जनता किसे वोट करना चाहती है और किस मुद्दों पर वोट करना चाहती है। बात करते हैं यहाँ के कुछ जाने माने हस्तियों से जो कि बहुत मशहूर शख्सियत भी है, नगर सेवक है सिल्लोर नगर परिषद के। सबसे पहला सवाल मेरा, शिवसेना जिसकी एक अलग आइडेंटिटी है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक गुस्सा आता है या बोलिए शिवसेना पक्ष होते के साथ एक हिंदुत्ववाद का मुद्दा आता है, तो एक मुसलमान होने के नाते आप शिवसेना का प्रचार कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? हमारे जो नेता है आमदार अब्दुल सत्तार, ये जो तो सब जात पात को लेके चलने वाले नेता है और हमको शिवसेना और उससे कुछ वो नहीं है, बाहर नहीं है, कुछ नफरत भी नहीं है हमको। हमारे नेता जो पक्ष में रहेंगे वो उसका हमको काम करना है और विजय इंशाल्लाह उनका 100% कोई उसमें लगे शक करने की जरूरत नहीं है। हज़ारों की तादाद से नेता चुन के आएंगे और सब जात को लेके चलने वाला आदमी है, सेकुलर है और हर धर्म को चलता है, गरीबों के काम में, सुख में, दुख में। अगर समझना गुस्से में कोई नगर सेवक, कोई छोटे कार्यकर्ता ने अगर चिड़ के भी बोल दिया तो हमारा नेता सुनने वाला नेता है, ऐसा दादागिरी गिरा करने वाला नहीं है। वो हिसाब से चुन के आना उनका जो है तो 100% पक्का ही। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर शिवाजी महाराज का पुतला है और शिवसेना की स्थापना जो हुई थी वो शिवाजी महाराज के नज़र में रखते हुए थी। जैसा कि हम अगर तारीख को और हिस्ट्री को अगर पढ़े तो हमें मालूम पड़ता है कि शिवाजी महाराज के साथ बहुत सारे मुसलमान थे जिन्होंने उनका साथ दिया अपने स्वराज को बनाने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर जो महायुति के उम्मीदवार है अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, जो कि एक बहुत चर्चित और बहुत मशहूर शख्सियत है, यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनको पहचाना जाता है और उन्हें माजी मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आज जो उम्मीदवारी उन्होंने भरी है शिवसेना की तरफ से, तो लोगों का जो नजरिया है वो बदल चुका है। मुसलमान होने के बावजूद शिवसेना के पक्ष में आना तो लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही और सिल्लोर सोएगा मतदार संघ में खास तौर पर यहाँ पर जातिवाद के मुद्दे को फैलाया जा रहा है। मुझे बहुत ज्यादा सुनने के लिए भी यहाँ पर मिला है कि एक मराठा लाख मराठा के भी जो तो नारे लग रहे हैं, पता नहीं क्या किस तरीके का पॉलिटिकल करियर यहां पर शुरुआत होने वाली है। आइए जानते हैं दूसरे हमारे जनता से कि वो आमदार अब्दुल सत्तार को क्यों वोट करना चाहते हैं या किस बिना पर उन्हें करते हैं, जो कि आरके साहब बोल के यहां पर एक नगर सेवक है उनसे बात करते हैं। सर, आप आमदार अब्दुल सत्तार को क्यों वोट करना चाहते हैं? अब्दुल सत्तार साहब जो कि गोर गरीबों के काम करते रहते हमेशा और कभी भी दुख सुख में बोलो कभी भी बोलो, एक छोटी सी बात बोलता हूं मैं कि हमारे जो अंबेडकर नगर में सामने जो कि जो गोर गरीब लोगों के लिए एम्बुलेंस के लिए फ्री में उपचार करवाए, आना जाने के लिए डीजल गीजल सब डाल के देते थे और मैं छोटा सा कार्य करता था कि मैं एक पान टपरी चलाता था कि आमदार साहब ने मेरे ऊपर भरोसा किया और पान टपरी चलाने वाले को एक नगर सेवक बना दिया, इसके ऊपर क्या होना। और कि जाति का मतदान जो लोग कर रहे, जात पात का कुछ भी नहीं, सब जात धर्म के लोग, जात बात का जो प्रश्न रहा सभी जात धर्म के लोग अब्दुल सत्तार साहब के साथ है और वो उनको चुन के लाएंगे। धनुष्य बाण जो निशान है उनको 21 तारीख को बहुत ज्यादा से ज्यादा मतदान से चुन के लाएंगे। जैसा कि हमने दोनों ही मशहूर शख्सियत और नगर सेवकों से बात की, उन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं वो सब जातियों को छोड़कर सिर्फ एक हिंदुस्तानी नागरिकता को लेकर आगे बढ़ते हैं और लोकशाही में यही होना चाहिए। हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी नागरिक सबसे पहले हिंदुस्तानी है, बाद में वो मुसलमान और हिंदू है। तो इसी के बात को अब जनता से ऐसे कुछ यंग जनरेशन से लोगों से बात करते हैं, ऐसे कुछ लोगों से बात करते हैं जो हमें इस पॉलिटिकल करियर के बारे में या इस पॉलिटिकल घमासान के बारे में बताएंगे कि वो क्यों वोट करना चाह रहे हैं और क्या अपील करना चाहते हैं। ये जो है तो पहले प्रश्न तो जातिवादी का सामने मिटा दिए, यहाँ तो जातिवाद का प्रश्न है ही नहीं और जो विकास करेंगे उसके ऊपर मतदान करेंगे और हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब जो है तो विकास है, विकास ही करते और कभी किसी से जातवाद नहीं करे उन्होंने और लोकप्रिय आमदार है, उनके पीछे हर समाज है, जो भी समाज है 18 प्रकार जात जो भी समाज है वो पूरा समाज हमारे साहब के साथ है और हमारे साहब ही चुन के आएंगे। ये पत्थर पे की रखील है।
देखा है आपने जैसे कि यहाँ पर सभी लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा आसमान छू रहा है और सभी का यही मानना है कि अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी तीसरी बार आमदार इसी क्षेत्र से चुन के आएंगे। एक और सवाल मैं इस प्रोग्राम के तहत करना चाहता हूँ कि जो विकास का मुद्दा अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी कैंडिडेट ने लेकर शुरुआत की है, तो वो विकास के मुद्दे में लोग या जनता क्या विकास चाहती है उनसे, मैं इसके बारे में कुछ सवाल करना चाहूंगा जनता से, जो कि अभी एक बहुत ही आम जनता से ताल्लुक रखने वाले शख्स जिनका पेशा जो है तो ड्राइवर है, पेशे से ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। विकास के मुद्दे, विकास का मुद्दा अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी कैंडिडेट ने लेकर शुरुआत की है, तो वो विकास के मुद्दे में लोग या जनता क्या विकास चाहती है उनसे, मैं इसके बारे में कुछ सवाल करना चाहूंगा जनता से, जो कि अभी एक बहुत ही आम जनता से ताल्लुक रखने वाले शख्स जिनका पेशा जो है तो ड्राइवर है, पेशे से ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। विकास के मुद्दे पर ही क्यों आमदार अब्दुल सत्तार को चुना जाता है? आमदार अब्दुल सत्तार साहब एक गरीब कुटुंब के है और वो सभी जाति धर्म के जनता को लेके चलते हैं। तीन नगर सेवक सिल्लोर शहर में स्थानीय पहले नगर पालिका के इलेक्शन हुए थे, तो तीन नगर सेवक आने के बावजूद भी सारे पक्ष के लोगों ने, सारी जात के लोगों ने उन्होंने पहला भावी नगर अध्यक्ष बनाए थे। उसके बाद से ये इनका आगे बुलंद चलते ही रहा और अभी भी जनता से अपेक्षा ये है कि वो अभी भी चुन के आएंगे और मिनिस्टर बन के बताएं। मैं 36 साल से आमदार अब्दुल सत्तार साहब का काम करता हूँ, कार्य करता हूँ पहले से, अब हर समाज को लेके चलते हैं। जैसा कि आपने देखा हर समाज को लेकर चलने वाला जो उम्मीदवार है यहाँ पर अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी है। और एक आखिरी सवाल मैं इस प्रोग्राम के तहत करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का भी दौरा करना है, तो विकास के कामों को लेकर क्या उम्मीदें हैं जनता की? विकास के किन क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? विकास क्या चाहती है सिल्लोर की जनता जानते हैं? विकास कैसा चाहिए? विकास तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है सिल्लोर शहर में और एकता का सम्मान है सिल्लोर शहर में और आमदार अब्दुल सत्तार साहब का विकास बहुत बढ़िया है और अभी अच्छे से खासा काम चालू है और इंशाल्लाह चुन के आएंगे ज़रूर। जैसा कि आपने देखा विकास के कामों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे काम है जो अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी के हाथ से किए गए हैं, जैसे कि केलना का जो प्रकल्प था, पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी थी लेकिन फिर भी जो है तो उसको किसी न किसी तरीके से सॉल्व कर लोगों की पानी के प्रश्न को जो है तो छुड़वाया गया। इसके अलावा खड़कपुरना का प्रकल्प जो कि बहुत बड़ा प्रकल्प है उसका भी सक्सेसफुली पूरा काम हो चुका है। और इसके बाद नगर सेवक जुम्मा भाई जो है तो हमें बताएंगे कि किस तरीके के विकास के काम जो है तो सिल्लोर में शुरू है। हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने जो है तो गांव में इतने काम करे, लाइट का काम करे, नल का करे, पानी का करे, रोड का करे, खड़कपुरना का करे और काम करते और काम करते ही रहेंगे और करते ही जो और खड़कपुरना का पानी जो है तो हमारा आज 100 साल का पूरा 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 40 दिन का काम रहा। उन्होंने बहुत अच्छा काम करे और करते रहेंगे, अल्लाह उनको कामयाब करे। देखो आपने सभी यहाँ पर जितने भी जनता है सभी का एक ही फैसला है कि अब की बार आमदार अब्दुल सत्तार को फिर से चुनकर लेकर आना है। मैं सैयद तौसीफ अली कैमरामैन कैफ के साथ औरंगाबाद समाचार सिल्लोर। नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।